भारत स्काउट और गाइड्स के हरिओम नगर कार्यालय पर जिला मुख्यायुक्त अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में भारत और स्काउट गाइड के जिला मुख्यायुक्त डॉ. अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की हिंदू संस्कृति एवं सनातन धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व के कल्याण की धुरी है, जिसके द्वारा भटके और विचलित युवाओं को सन्मार्ग के रास्ते पर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा, देश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों को गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे युवा दिशा भ्रमित ना हो सके और राष्ट्र के प्रति अपने निर्धारित कर्तव्यों का अनुपालन ईमानदारी से करे। उन्होंने कहा, वर्तमान में समाज और सामाजिकता के विभिन्न स्तर पर विविध तरीकों से भारत की वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान है, जिसके दम पर हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर भारत स्काउट और गाइड्स प्रदेशिक प्रतिनिधि एवं प्रशिक्षक अजय गुप्ता, बजरंगी किरण देवी, DTC दुर्गावती धूसिया, जिला गाइड कैप्टन प्रतिमा शुक्ल, ओम प्रकाश उपाध्याय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत स्काउट्स व गाइड के जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा, हाथ पर रहेंगे स्वागत तालियां, रहेंगे तालियां। इसी तरह में ओम प्रकाश उपाध्याय सर से निवेदन, एक साथ हाथ पर। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मुख्यायुक्त उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला संस्था गोरखपुर। हाँ, आज पूरे भारतवर्ष में जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती को जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला संस्था गोरखपुर भी युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती को मना रहा है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। 39 वर्ष की अल्प आयु में ही जागने के बावजूद इन्होंने जो युवाओं पर छाप छोड़ी, वो अमिट छाप आप भी युवाओं पर पड़ा और आदर्श के रूप में हम सभी युवा उनको मानते हैं। और भारतीय संस्कृति का परचम उन्होंने न केवल अमेरिका में जबकि पूरे वैश्विक धरातल पर जो है लहराया। पूरा भारतवर्ष स्वामी विवेकानंद जी के ऋणी है। इस क्रम में हम उनको याद करते हैं। धन्यवाद।